दिखाता हूँ आपको, ये पहला मोड भाई, उसके बाद ये दूसरा मोड और ये तीन मोड। मतलब आदू देख, ये को देखो भाई, ये ना मेरा भतीजा, ये मेरे बड़े भाई का लड़का है। आदू हाय बोल। हाय। हाय बोलियो। हाय। मंगाई थी आपने पहले वाले ब्लॉग में देखा होगा, ये मैंने मंगाई थी भाई ब्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि ये एक कीबोर्ड और था भाई, ये देखो ये है वन एंडिंग गेमिंग कीबोर्ड भाई, इसका केवल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सारे भाई लोग? तो भाई लोग ये व्लॉग हो रहा है मेरे घर से स्टार्ट। फिलहाल तो अभी सुबह के 8 ही बज रहे हैं भाई, वैसे तो जल्दी उठ गया था। और भाई इस व्लॉग में ना भाई मैं करने वाला हूँ अपनी व्लॉगिंग किट का टेस्ट, कि वो यूज़ करने लायक है या नहीं है। तो भाई ये है देखो मेरी व्लॉगिंग किट जो मैंने मंगाई थी, आपने पहले वाले व्लॉग में देखा होगा, ये मैंने मंगाई थी भाई व्लॉग शूट करने के लिए, क्योंकि भाई मैं जाने वाला हूँ केदारनाथ, तो वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि जब हम काम पर जाते हैं ना वहाँ भाई, तो रात के भाई 12 बजे आते हैं, तो इसी वजह से मैंने ये मंगाया, क्योंकि इसमें ना भाई ये देख रहे हो ना वाइट वाला, इसमें ये सबसे बढ़िया वो है कि ये लाइटिंग सिस्टम है, तो जब हमको रात हो जाती है ना भाई आते हुए शूट करने में मेरे को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो इस वजह से मंगाई है। फिलहाल तो भाई मैंने कल जब देखा तो यार मैं इसको देख रहा कि जलेगी कैसे, फिर बाद में मेरे को पता चला भाई कि इसमें सेल डलना है, तो भाई फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ अभी बाज़ार में इसके सेल लेकर आते हैं, और देखते हैं भाई इसका क्या परफॉर्मेंस रहेगा। फिलहाल तो अभी चलते हैं बाज़ार में। तो भाई 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 देखो सेल तो मैंने मंगा लिया, फिलहाल मैं गया नहीं था भाई बाज़ार, मेरा छोटा भाई गया था, उसमें मंगाई मैंने सेल, इसमें छोटे वाले सेल लगते हैं लाइट में, तो ये वाले मंगाए, तो अभी इसमें सेल डालता हूँ और देखते हैं कि इसकी लाइट का क्या परफॉर्मेंस है। तो फाइनली भाई सेल तो हमने डाल लिया एंड हो गया बिल्कुल तैयार, और इसमें ये पीछे बटन है आपको दिख रहा होगा, तो इससे चलती है लाइट, मैं आपको थोड़ा जला के दिखा देता हूँ। वैसे भाई इसमें तीन मोड है, देखो दिखाता हूँ आपको, ये पहला मोड भाई, उसके बाद ये दूसरा मोड और ये तीन मोड, मतलब कुछ अलग ही दिखा रखा है भाई इसमें, और चौथी बार प्रेस करने से बंद हो गई, मतलब एक ये दो ये तीन, तीन बार इसको प्रेस करते हैं तो तीन बार थोड़ा पावर है। वैसे भाई जो इसका बाहर का ढक्कन लगा हुआ है ना वाइट वाला, ये थोड़ा भाई मोटा है ना, मतलब हार्ड है थोड़ा, तो इस वजह से ना इसमें ज़्यादा लाइटिंग दिख नहीं रही है। फिलहाल तो वैसे भाई काम चल जाएगा, मोबाइल का टॉर्च और इसकी टॉर्च को मिला के भाई अच्छे से शूटिंग हो जाएगी केदारनाथ में। तो सो गाइस मैंने आपको कुछ दिखाने जाता था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। सबसे पहले तो दिखाने से पहले कुछ बता देता हूँ भाई कि तुम्हारे भाई ने ना भाई लाइफ में भाई बहुत स्ट्रगल किया यार, कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए, लेकिन शायद भाई किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, पहले आप देख लो, ये देख रहे हो भाई, ये कीबोर्ड था भाई, मैं गेम खेलता था मोबाइल टू कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करके, ये एक कीबोर्ड और था भाई, ये देखो ये है वन एंडिंग गेमिंग कीबोर्ड भाई, इसका केबल ये था भाई, ये सी टाइप इसका केबल था, देख लो। और जो मेरा ब्लूटूथ कंट्रोलर था ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये है देखो, ये था भाई वो ब्लूटूथ कंट्रोलर जिससे मैं मोबाइल टू ब्लूटूथ कनेक्ट करके गेम खेलता था। और ये आदू देख, ये को देखो भाई, ये ना मेरा भतीजा, ये मेरे बड़े भाई का लड़का है। आदू हाय बोल। हाय। बोलियो। हाय। हाँ तो भाई ये मेरा भतीजा है, तो मैं दिखा देता हूँ कि इसे ना क्या करते थे, इसे ना मोबाइल के मोबाइल का जो चार्जर होता है भाई उससे कनेक्ट करके इसको जला देते थे, और इसमें एक जो पोर्ट है ना, इसमें कीबोर्ड का पोर्ट है, एक माउस का पोर्ट है, तो उसमें गेम खेल कीबोर्ड के मतलब मोबाइल से कनेक्ट करके गेम खेलते थे। और भाई एक केबल ये है भाई, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ये देखो। शायद यार आप मेरे को पागल समझ रहे होंगे भाई, लेकिन तुम्हारे भाई ने बहुत सा वो कुछ करना चाहा भाई, दिखा देता हूँ आपको, ये देख रहे हो भाई, ये सिंपल चार्जर है और ये आईफोन का चार्जर है, और ये खुलता है ऐसे, इधर माइक्रोफोन का जो सिंपल वाले फ़ोन होते हैं ना इसका है, और ये इधर था एक भाई चार्जिंग पॉइंट, और ये था HDMI पोर्ट, मतलब इससे भाई मोबाइल से मॉनिटर में स्क्रीन कास्ट करके बड़ा वो दिख जाता था, मतलब जो हमारे मोबाइल में चल रहा है गेम, जो मोबाइल में चल रहा है वो मॉनिटर में स्क्रीन कास्ट करके मैं खेलता था। भाई एक चीज़ और दिखा देता हूँ तुमको, ये एक कॉपी है भाई, एक और है, इसमें ना भाई मैंने आज तक जो जो किया है ना सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, देखो एक सेकंड रुको भाई, ये देखो भाई, मतलब यार मैं देहरादून रहा था ना भाई, तो देहरादून में कितना रहा था मैं, कोई इतना ध्यान भी नहीं आता, लगभग 3 या 4 साल पहले जब देहरादून रहा था वहाँ पर ऑनलाइन कोर्स चल रहे थे, तो वहाँ पर ना मेरे को जो सिखा रहे थे ना वो मैं घर में आके मैंने लिखा था, वहाँ पर तो लिखने को अलाउड नहीं था, तो वहाँ से याद करके भाई घर में लिखा था मैंने, ये 2-3 सिस्टम है भाई देखो, मतलब यार वहाँ पर बिजनेस के बारे में बताया था, तो ये भी अब तक संभाल कर रखा है, जो उनकी कंपनी में गया था, कंपनी का नाम बता देता हूँ मैं आपको, यंग पैशन वैल्यू मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी में भी रहा है भाई, ऑनलाइन मार्केटिंग सीखी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी बात नहीं बनी भाई, एंड इसके बाद दिखाता हूँ भाई मैं तुमको यार,
ये देखो भाई, यहाँ से शुरू होता है, ये रैप लिखा हुआ है। देखो भाई, लिखा हुआ है ना म्यूजिक एसटी, बहुत से किया यार। देखो मतलब जो भी दिमाग में आता था लिख देता था यार। जी देखो, जो दोस्ती के ऊपर गाना लिखा हुआ है ना भाई, वो भी इसी के ऊपर है। वो मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगा भाई। ये देखो लिखा हुआ है ना, न्यू रैप सॉन्ग, इन द बार मुझे चाहिए था यार। ऐसे करके यार बहुत से, मतलब यार जो दिमाग में आता था लिख देता था। और लिखते लिखते भाई कॉपी पूरी भरी यहाँ से। और ये भाई देखो, यहाँ से जो पहला व्लॉग बनाया था ना भाई मैंने, जो उसकी स्क्रिप्ट लिखी थी वो भी इसी कॉपी में। तो इसको मैं संभाल के रखता हूँ अच्छी तरह से भाई। फिलहाल तो यार ये थी जर्नी जो कि मैंने आपके साथ शेयर करी, आपके साथ बांटी। फिलहाल तो भाई मैं अपने कमरे में ही हूँ, और अभी ना इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।